मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैशाली में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण कार्य देखने के लिए पहुंचे। 72 एकड़ भूमि पर 320 करोड़ की लागत से बन रहे संग्रहालय का घूम कर अवलोकन किया, साथ ही इसे जल्द पूरा करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, क्योंकि संग्रहालय को 2021 के अंत तक बनाकर पर्यटकों के लिए खोल दिया जाना है। वहीं इसमें वैशाली से ही खुदाई में निकले एकमात्र प्रमाणिक भगवान बुद्ध का अस्थि कलश भी इसी म्यूजियम में रखा जाना है, ताकि इस इलाके का पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना वैक्सीन के जल्द ही आ जाने की उम्मीद है, और उसके बाद पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी, और उसमें वैशाली का ये बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय अपनी एक नई भूमिका में होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वैशाली में निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के निर्माण को देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इसका काम बंद हो गया था और अब फिर से शुरू हो गया है। उसकी स्थिति देखने आया हूं, साथ ही कार्य में तेजी लाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश देना भी जरूरी है, क्योंकि इसे 2021 के अंत तक पूरा कर लिया जाना है, जिसमें वैशाली के खुदाई में निकला भगवान बुद्ध का अस्थि कलश भी इस संग्रहालय में रखा जाना है। कोरोना के कारण काम रुक गया था, लेकिन इसमें तेजी लाकर जल्द से जल्द काम पूरा कर लिए जाने का निर्देश दिया गया है, ताकि पर्यटकों को एक बार फिर वैशाली के लिए लुभाया जा सके। कोरोना के वैक्सीन आने की संभावना कुछ ही महीनों के अंदर है, उसके बाद तो फिर पर्यटन अपने चरम पर होगा, और ऐसे में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एक नई भूमिका में सामने होगा। दर्शन संग्रहालय का और उसके बाद यह स्मृति स्तूप का अबू रखा हुआ अभी तक है पटना म्यूजियम, तो हम लोगों का था कि वैशाली से ही मिला है जो यहाँ पर स्थल है, वही एकमात्र है जो दुनिया भर में जितने बौद्ध धर्मावलंबी हैं या भगवान बुद्ध के सब चीज़ों को जानते हैं उसके हिसाब से यही एक स्थल है वैशाली, जहाँ से उनका अंतिम संस्कार के बाद जो वो मिला, तो वही माना जाता है कि यही सबसे ऑथेंटिक है। तो उसको तो रखा हुआ है सुरक्षित वहाँ पटना म्यूजियम में, लेकिन उसको तो आखिरकार वैशाली में मिला था, तो यहाँ पर वैशाली में। और जो ये बनाया जा रहा है स्मृति स्तूप, ये तो पत्थर से बनाया जा रहा है, ताकि वो बिल्कुल, इसके बारे में हम तो विस्तृत बता चुके हैं पिछले वर्ष जब इसका शिलान्यास करने के लिए हम आए थे, उस कार्यक्रम में सब चीज़ों के बारे में बता चुके हैं, लेकिन वो होगा जो पत्थर से सब कुछ बनेगा, इसका मतलब कि वो बहुत दिनों तक के लिए वो कायम रहेगा, बाकी चीज़ें उतने दिनों तक कायम नहीं रह सकती, लेकिन वो पत्थर के कारण बहुत दिनों तक वो रहेगा। इसलिए यहाँ का जो इतिहास है और जो कुछ भी यहाँ पाया गया है, तो वहाँ पर ये और पूरा का पूरा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, सब चीज़ों को लोग देखेंगे जो भी आएंगे। अभी जितने टूरिस्ट आते हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे पर्यटक, अब जानते हैं विदेश से भी आते हैं बोधगया, अब वहाँ आ करके चले जाते हैं या कुछ लोग राजगीर तक जाते हैं, लेकिन अब यहाँ तो वैशाली को लिंक करने के लिए और भी राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से ये किया जा रहा है कि कोई भी जो आना चाहेगा, जब यहाँ पर ये जो स्मृति स्तूपा हो जाएगा, तो आप जान लीजिए कि सब लोग वो सिर्फ बोधगया आकर के नहीं रुकेंगे, एक बार उनको यहाँ भी होगा, वो ज्ञान की प्राप्ति हो, तो यहाँ का भी बहुत ज़्यादा महत्व और बढ़ेगा। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोग इसको बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का निर्माण करवाना चाहते हैं। हम इसलिए देखने आए हैं कि बीच में जो ये कोरोना के कारण काम रुका, तो मेरे मन में था कि भाई तेजी से इसका काम हो, हम कल ही आना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से आज हमने देखा कि भाई हम जा करके देख लेंगे। तो अब जो भी बातचीत हो गई है अधिकारियों के साथ, तो इसको इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि नहीं, अगले वर्ष के अंत तक जरूर हम लोग इस पूरे सब काम को कर देंगे, तो बहुत अच्छा होगा, तो फिर पर्यटन का केंद्र। और तब तक इस बीच में तो आप जानते ही हैं जो कुछ भी आया है अब कोविड का, तो उसके लिए तो आप जान ही रहे हैं कि वैक्सीन का हो रहा है, तो अगले कुछ महीनों के अंदर तो फिर इससे मुक्ति मिलेगी, तो उसके बाद तो कोई बात नहीं, तो आगे का जो टूरिस्ट फिर जो चाह करके भी नहीं आ पाते हैं, जो फिर पुराने समय से ही और उससे भी ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। 72 एकड़ भूमि पर 300 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहा संग्रहालय, जो कि बिहार का सबसे बड़ा या यूं कहें कि देश के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक होगा, इसे देखने के लिए देश और दुनिया से लाखों लोग प्रतिवर्ष आएंगे, जिससे बिहार में पर्यटन की संभावना बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं जो तालाब के रूप में है, कितना इसका ऐतिहासिक महत्व है, तो इसको भी रिवाइव करवा रहे हैं। जो हम आए थे सब लोगों ने कहा कि यहाँ पर पानी नहीं रहता, तो अब इरीगेशन डिपार्टमेंट को जिम्मेवारी दी गई है कि इसको चारों तरफ से हमेशा के लिए पानी आ जाना चाहिए। थोड़ा एक आध मीटर इसको और गहरा करेंगे और समयचा मतलब बारहो मास यहाँ पर पानी रहेगा। तो जिसका इतिहास है, लोग स्नान करते थे इसके बाद बैठते थे कार्यक्रम में, तो ये सब तो बहुत यहाँ का जो इतिहास है इतना पुराना है और बहुत पहले का है, तो उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों की इच्छा है, हम लोगों का ख्वाहिश है ये सब काम करवा दिया जाए तेजी से हो, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में पर्यटन के लिए यहाँ पर आ सके। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के साथ साथ ठीक बगल में बने अभिषेक पुष्करणी तालाब का भी कायाकल्प होना है, क्योंकि वैशाली का इतिहास अपने आप में काफ़ी प्राचीन और गौरवशाली है, जिसमें अभिषेक पुष्करणी का भी विशेष महत्व है। वैशाली में जो अस्थि कलश खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था उसे भी यहाँ रखा जाना है, क्योंकि वही एकमात्र प्रमाणिक भगवान बुद्ध का अस्थि कलश है और उसे तो यहाँ होना ही चाहिए। और जब अस्थि कलश वैशाली संग्रहालय में होगा तो निश्चित तौर पर देश दुनिया में भगवान बुद्ध को मानने वाले तमाम लोग दर्शन मात्र के लिए यहाँ जरूर पहुँचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज़, वैशाली।